मैं आरती गर्ग। आज मैं आपको जो बच्चों की दूध की बोतलें होती हैं उसके कवर बताऊंगी। इधर ये देखिए, ये मेरा सलवार में से पीस बचा हुआ था, वो मैंने लास्टिक का बना रखा है। एक ये भी लास्टिक का बना हुआ, ये ब्लाउज के पीस में से टुकड़ा बचा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने डोरी वाला बना रखा है, ये पतले कपड़े का है। इधर अब आप ये देखिए, इसमें कितना कपड़ा चाहिए। इस कपड़े की लंबाई 10 है, ये बना के आपके पास 9 रह जाएगा। वो बोतल की भी लंबाई 9 होती है। ये सिलाई के बाद इधर ऊपर से मोड़ने के बाद सिलाई के बाद आपका 8 है। इधर ये देखिए, प्लास्टिक वाले की थोड़ी सी ज्यादा रहती है और डोरी वाले की थोड़ी सी कम रहती है। इधर इसकी चौड़ाई इस समय 10 मैंने ले रखी है। ये सिलाई करने के बाद आपकी 8 बचेगी। इधर और ये जो है, ये मैंने से पहले बोतल में से रख के ग्राफ तक काट रखा है। ये देखिए, पूरा कपड़ा बर्बाद मत करिए, ये किनारे से आप ग्राफ निकालिए, फिर ये दूसरी भी बोतल का ग्राफ इसी में से निकल जाएगा। इसकी 3 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई। अब आप इसको चाक से निशान लगा के ये देखिए, चाक से पूरा निशान लगाइए और इसको काट लीजिए, बिल्कुल गुलाई से काटिएगा। ये देखिए, चाहे कोई ढक्कन बोतल के बराबर का ले लीजिए, जो आजकल डिब्बे के छोटे छोटे ढक्कन आते हैं उससे भी आप ये काट सकती हैं। चाहे आपका अखबार का टुकड़ा बना लीजिए, उससे भी आप काट सकते हैं। इसकी गुलाई हो गई बोतल की। अब इसको पूरा आप तैयार कर लीजिए। ये जैसे मेरे पास लास्टिक पड़ी, ये लेस पड़ी थी, मैंने इसको लगा दी, और इसमें पहले लास्टिक लगा लीजिए। ये पीछे से लास्टिक लगाइए, इसकी लेस के नीचे लगा दीजिए खींच के। ये कितनी इंच की लास्टिक इसमें लगेगी आप इसका ध्यान रखिए। ये आपकी लास्टिक, ये देखिए 9 इंच की है, 7 इंच की लास्टिक इसमें लगती है। ये 2 इंच आप काट दीजिए और इसको ऊपर से मोड़ दीजिए। मोड़ने की उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो लास्टिक लगती है। तो आप इसको ऐसे पहले आप सिंगल मोड़िए, तो इसमें सफाई आ जाएगी।
दीजिए, इसको पूरा तैयार कर लीजिए। इसको तैयार करके तवे नीचे आप इसको लगाइए। लास्टिक थोड़ी सी, ये देखिए ये आपने ये लगाई, आप देख के इसके ऊपर ऐसे लास्टिक लगाइए। इसको खींचिए, इसमें थोड़ी सी चुन्नट बननी चाहिए। ज़्यादा चुन्नट बन जाएंगे तो बकल बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप हल्के हल्के इसमें चुन्नट बनाइए। ऐसे चुन्नट बनाइए, बैठना था। आप इसको ऐसे मोड़िए, ये देखिए थोड़ा सा कैंची से बराबर करिए। कपड़े को आप ऐसे शुरू करिए यहाँ से। इसको ऐसे घुमाते जाइए थोड़ा सा, ये देखिए नीचे को कपड़े को ढीले छोड़िए, ऊपर के कपड़े को थोड़ा टाइट लीजिए, नीचे का कपड़ा ऐसे छोड़ते जाइए। ये देखिए क्योंकि नीचे का घेर थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर का थोड़ा सा टाइट होता है। इसको घुमाते जाइए और इसको बराबर करते जाइए। ये देखिए थोड़ा छोटा आ जाए कपड़ा, इसमें कोई बात नहीं होती है नीचे का घेर तो। कपड़े को ऊपर से पकड़िए, ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी नया कपड़ा थोड़ा सा सिमट भी जाता है कपड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लिया है कि बोतल था। जो मैंने अभी लास्टिक का बनाया है वो आप देखिए कितना बढ़िया बना, बच्चे का सफर पर में जाइए ये लास्टिक लगी हुई है देखिए। अब मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए कि आगे मैं आपको क्या बताऊँ, क्या सीखना है आप लोगों को।